और मैं इन सभी भाई बहनों के लिए और अपने लिए यहाँ पर आई हूँ जिनका मतलब रोज़गार गया है। और आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं यहाँ पर। हम 29 तारीख को भी डीसी साहब के पास आए थे और आज फिर हम मिलने आए हैं कि भी हमारा गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया। दाने दाने को हम मोहताज हो गए हैं, हमारे परिवार इतने परेशान हो गए हैं हद से ज़्यादा। और भी हमारे बारे में सोचा जाए और जहाँ भी हमारे को जगह देना चाहते हैं थोड़ी थोड़ी जगह हम सबको दी जाए ताकि हम अपना गुजर बसर कर सकें। मेरे रेड़ी उठाई गई है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को रेड़ी कोई हमारे लिए वो बनाया जाए। मैं अकेली हूँ कमाने वाली, मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मेरा पति 7 साल से लापता है और किराए के कमरे में रह रही हूँ। और हमारा कुछ यही है, मैं 2-3 बारी आ चुकी हूँ, यहाँ भी कमेटी में भी गई थी और यहाँ भी आई हूँ मैं 2 बारी। के डीसी से यही है कि हमारा कुछ भी रोजगार बनाए। सर बाईपास पे मैं लगाते थे पहले, हम सारी ज़िंदगी मतलब समझ लो इसी शहर में बीत गई हमारी है। पहले हम पुराने बस स्टैंड पे जब खाली वही पुराना बस स्टैंड ही था तब हम पुराने बस स्टैंड पे करते थे। तो उसके बाद सर वक्त के हिसाब से कुछ बीमारियों करने ऐसा हिसाब पड़ गया कि हम लोग बस वो हो गए। तो उसके बाद हमने बाईपास में लगाना शुरू करा। अब 8-10 साल हो गए हमारे को यहाँ लगाते थे, लेकिन सर यहाँ से भी मतलब कर दिया। हमारी विनती है सर, कुछ ना कुछ मसला ऐसा है कि हमारे में देखो बड़े भारी मतलब ऐसे जो भी लोग हैं सारे अपनी अपनी जगह बहुत परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है हमारी। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे को ऐसे कर दिया जाए, जहाँ भी कहीं भी कोई हमारे लोगों को ऐसा एडजस्ट कर दिया जाए जहाँ पर चलो जो भी है थोड़ा बहुत हमारे लोगों का काम चलता रहे। हाँ, इनके बारे में अभी मैंने 2 दिन पहले ही कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोलन, एसटीएम सोलन और हमारे जो राजस्व के जो अधिकारी हैं इनके साथ बैठक की थी और इनके लिए कहीं जगह चयनित करने के लिए मैंने उनको कहा है कि कहीं इनके लिए सूटेबल प्लेस देखा जाए। कुछ रेडी फड़ी वालों को तो जो वेंडर जोन स्पून में बना है उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो छत है उस पर भी बैठने के लिए ये लोग तैयार हो गए हैं। कुछ लोगों को वहाँ करेंगे, कुछ लोगों को अन्य स्थानों पर जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई दिक्कत ना हो या पब्लिक क्राउडेड प्लेसेस ना हो उन जगहों को चिन्हित करने के मैंने निर्देश दिए हैं। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में स्थान चिन्हित हो जाएंगे, फिर हम इन लोगों को वहाँ पर बिठा देंगे।